दूंगा जनाब सर लाइक साहब को कि वो इस पर अपने राय का इजहार करें। औजु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शौहर फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे मदद किया इस मौजू पर बात करने के लिए। हमारा मौजू वही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन ऑफ पीस एंड हारमोनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेवल। देखिए, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट था वो 14% से 20% था, और जो लिटरेसी रेट की हमने तारीफ की है वो यही है कि जो लिखना और पढ़ना जानता हो। और अभी जनवरी 2022 में जो लिटरेसी रेट का अंदाजा किया गया वो बहुत बेहतर हुआ है, यानी वो 70% पर चला गया है, यानी जो लिख सकता है और पढ़ सकता है हमारे यहाँ पर 70% वो लोग हो चुके हैं। ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है कि तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं जो लिखना और पढ़ना नहीं जानते। फिर जब हम इस पर बात करते हैं कि प्राइमरी में कितने लोग इसके स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, तो 67% लोग ऐसे हैं जो प्राइमरी कंप्लीट कर पाते हैं, तकरीबन 45-50% लोग ऐसे हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन तक जा पाते हैं, और तकरीबन पोस्ट सेकेंडरी लेवल की जो बात होती है जैसे कॉलेज में पहुंचना होता है तो इसके बारे में कहा जाता है कि कम से कम 18-20% लोग हैं जो कॉलेज तक तालीम हासिल कर पाते हैं। और फिर जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की, तो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन जो होता है ये कहा जाता है कि अब 20% लोग ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। अच्छा, कौन लोग मास्टर्स करके निकलते हैं वो फिर तादाद 10-15% चली जाती है। और फिर जब हम देखते हैं कि जो एमफिल और पीएचडी करने वाले हैं वो इंतहाई कम हो जाते हैं, यानी वो आप समझे कि 2014 का एचईसी का जो स्टैटिस्टिक्स है 1350 लोगों ने पीएचडी कंप्लीट की 2014 में, तकरीबन 65 यूनिवर्सिटीज के आदादो शुमार है। तो मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए होता है। सिस्टम इंटीग्रेशन में हमें सिस्टम ने किन लोगों को हायर करना है, किन लोगों को लेना है, तो उसके लिए ये होता है। तो याद रखिएगा कि मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा मौसर जो हारमोनी के लिए जो हम फिजा कायम कर सकते हैं और प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा। अब इस बात पर हमें आना चाहिए कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पर जो 15% लोग आ रहे हैं ये क्रीम है, और मैं उस क्रीम को जुगनू कहता हूं। जो यूनिवर्सिटी में उस असातिज़ा की बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को कमाल का तैयार करें, उन पर ये आने वाली नस्लें हैं हमारी, अगर हम इनको सही मानों में तैयार कर सके यही लोग मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के हेड बनेंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं यही स्कूलों में पढ़ाएंगे, यही कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, यही यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, यही अदालतों में जाएंगे, यही जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे। तो अगर यूनिवर्सिटी लेवल को फोकस कर लिया जाए और यूनिवर्सिटी लेवल पर हम जो सही मानों में अमन का तसव्वुर है उसको हम स्टूडेंट्स में पहुंचा पाए, तो याद रखिएगा कि जो आने वाले वक्त का पाकिस्तान है वो एक बड़ा खुशहाल पाकिस्तान हो सकता है, वो एक बड़ा रोशन पाकिस्तान हो सकता है अगर हम इसको करें। तो मैं यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें मैं जुगनू कहता हूं। याद रखिएगा, जब जुगनू जुगनुओं के साथ होता है तो उसकी अहमियत नहीं होती। आप अंदाजा करें कि जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला बच्चा है वो आपके पूरे माशरे का 15% है, और यही वो है जो आपका मुस्तकबिल है, जो मुख्तलिफ इदारों को हेड करेगा, जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में जाएगा, और इन्हीं में से वो लोग निकलेंगे जो फ्यूचर लीडर्स हैं। जुगनू जुगनुओं में जुगनू की कदर नहीं होती, लेकिन जुगनू जब अंधेरे में निकलता है ना तो जमाना उसके नूर से मुनव्वर होता है। तो अब ये कैसे हो सकता है, इस पर मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूं कि ये कैसे हो सकता है कि जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर लीडर्स हैं, जो हमारा मुस्तकबिल हैं, उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसमें फिर हम और ऊपर चले जाते हैं कि उन 15% के टीचर्स कितनी परसेंटेज में, 1% भी नहीं है। आप अगर उन 15% को काबू करना चाहते हैं जो फ्यूचर लीडर्स हैं, आप उन 1% पे या 1% से भी बहुत कम है टीचर्स को काबू कर लेना चाहिए, और उन टीचर्स को ये बताना चाहिए कि आप चाहे जिस मसलक से ताल्लुक रखते हो, जिस लिसानियत से ताल्लुक रखते हो, जिस मजहब से ताल्लुक रखते हो, आपको जो है वो क्या क्या उसकी एथिक्स हैं, टीचिंग को बकायदा सिखाना चाहिए। हमारे यहाँ पर क्या होता है, मैं अगर इस्लामिक स्टडीज पढ़ रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहा हूँ, जिस निसाब को मैंने पढ़ा है
एमफिल के बाद मैं अलाउ कि मैं किसी भी अपने किसी भी यूनिवर्सिटी में उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकता हूँ? नहीं, माजरत के साथ मैं कहूंगा एजुकेशन एक आर्ट है। कैसे आपने एजुकेशन देनी है इसके लिए हमारे पास अलहदा डिपार्टमेंट है जिसको हम जो है वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट कहते हैं, जिसके बी एड होता है, एम एड होता है। तो हमारे यहाँ पर कुछ एक आध एमफिल के अंदर मैं समझता हूँ कि एक आध सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एमफिल के बाद आप अलाउ करते हैं कोर्स वर्क के बाद कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकें। एक आध जो है सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें हम पूरी दुनिया के अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी है क्या इसको हम जरूर समझाएं, इसके लिए वर्कशॉप्स इनकार करें। टीचर्स ट्रेन हो गए, वही बात जो सर कह रहे थे निशाब कुछ भी बना दें। ये इस पर बड़ी रिसर्च हुई है कि हमारे यहाँ पर कुछ एनजीओस को था टास्क के इस तरह के, मतलब निशाब में भी बहुत सी चीजें थी कि ये चीजें हों, लेकिन बहर वो एहदाफ हासिल नहीं हुए। तो एहदाफ हासिल नहीं हुए, उन्होंने कहा हमने निशाब में भी ये चीजें डाल दी, एहदाफ हासिल नहीं हुए। उन्होंने कहा मसला ये पढ़ाने वालों का, जो पढ़ाने वाले ना वो तोड़ मरोड़ के पढ़ा देते हैं, तो वो जो चीज है वो आगे बढ़ नहीं पाती। तो मैं समझता हूँ सबसे पहली चीज जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग है। अच्छा, टीचर्स ट्रेनिंग में मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ, पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये सदियों पुराना हो गया। पनिशमेंट से कोई बात नहीं हो सकती, ये बचपन में हमारा या 90s 80s की बात थी कि मार पीट के बच्चा पढ़ता है। ये बात याद रखिएगा कि एक बड़ी अच्छी एनवायरमेंट होनी चाहिए क्लास की, जिसमें टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके अंदर जो है वो आप मुख्तलिफ तरीके से स्टूडेंट की सलाहियतों को कैसे उभार सकते हैं। एक उसे नकीर का फकीर मत बनाए, उसके अंदर क्रिएटिव चीज कैसे निकल सकती है ये टीचर को पता होना चाहिए कि, और ये अमन की हालत नहीं हो सकती है जब हम किसी भी कोई तफरीक के बगैर, किसी भी करता वाराना तफरीक के बगैर, किसी भी लिसानी तफरीक के बगैर, किसी भी मजहब की तफरीक के बगैर हम स्टूडेंट को अहमियत देंगे। और किसी भी, वो कहते हैं ना शायरों के अंदर जो अलामा इकबाल ने भी कहा, कुछ आर इसे हुसन फरोशों से नहीं है, आदत हमारे शौरा की है ये पुरानी। तो कुछ हमारे अंदर टीचर्स के अंदर भी हुसन परस्ती पाई जाती है। मेरा ख्याल है कि हमें हुसन को देखकर किसी स्टूडेंट को आगे नहीं लेकर पढ़ना चाहिए, बल्कि उस स्टूडेंट की जो जिसकी उसकी सलाहियत है, चाहे वो काला क्यों नहीं है, चाहे वो कद का छोटा क्यों नहीं है, चाहे वो देखने में अट्रैक्टिव क्यों नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई सलाहियत है और सलाहियत को निखार कर वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बन सकता है, तो हमें उसे आगे लेकर आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आइडिया शेयरिंग बहुत जरूरी है। स्टूडेंट से सुने, हम बस एक लेक्चर देते हैं घंटे का और हम समझते हैं कि हमारे आइडियाज चले गए। आइडिया शेयरिंग बहुत जरूरी है, और उसके लिए बेस्ट क्यों तरक्की करता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये चीज है, नेवर स्टॉप आस्किंग। सवाल करो, जो मर्जी सवाल कर सकते करो, हम तो डरते हैं। अच्छा, सवाल क्यों नहीं पूछता टीचर, क्योंकि टीचर सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है, वो उसने जो पढ़ा है इंजे पढ़े हैं, इंजे पढ़ाना है। पंजाबी में कहते हैं जिस तरह मैंने पढ़ा है मैंने वैसे ही पढ़ाना है। भाई रिसर्च करके आओ, रोजाना दो दो तीन तीन घंटे अपने सब्जेक्ट को दो, अपने सब्जेक्ट से अपडेटेड रहो। टीचर सब्जेक्ट से अपडेटेड नहीं होता तो उसको डर होता है स्टूडेंट सवाल कर लेगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और वो क्या करता है, सख्ती करता है तमाम। तो इस ऐसे माहौल में कोई पुरअमन माहौल नहीं होता, ऐसे माहौल में कोई चीज आगे बढ़ती नहीं है, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होता। तो इसमें मैं कहता हूं, मैं आपकी दो तीन मिनट में गुफ्तगू को बस खत्म करने जा रहा हूं, निसाब को रिविजिट करने की जरूरत है। निसाब के अंदर हम देख लें कि कोई ऐसा मामला तो नहीं है जिससे किसी एथिक सिटी को दिल पे नुकसान पहुंचे, चोट पहुंच रही है, किसी मजहब को दिल आजारी हो रही है। वही बात जो सर ने कही, जो हमारे यहाँ पर एक डिबेट है कि सेकुलर होना चाहिए मुल्क, ये एक राय है, हम उस राय का एहतराम करते हैं, बिल्कुल ये राय एक हद तक जिस तरह उनकी आर्गुमेंट्स में दुरुस्त हो सकती है, लेकिन वही बात है कि हमारा तजर्बा अच्छा नहीं है इस्लामिक स्टेट्स का, लेकिन रियासत मदीना है, वही बात के इंतजाम ने ब्रैन लारा को इस्लाम का मिशन लगाया, तो इस्लाम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। तो ब्रैन लारा ने बड़ी मजे की बात की जो इंतजाम ने खुद सुनाई, उसने कहा आपने बड़ी प्यारी बातें की, ऐसी बातें मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी, लेकिन ऐसे मुसलमान पाए कहां जाते हैं, ये वो मुसलमान थे जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा तजर्बा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि निसाब को रिविजिट करने की जरूरत है, और अगर कोई ऐसी बात है जिससे किसी मजहब की दिलाजारी हो रही है तो हमें उसको एड्रेस करने की जरूरत है, और निसाब रिविजिट होने में बड़ा मसला हो सकता है, उसके लिए भी टीचर्स को किरदार अदा करने की जरूरत है। और वो टीचर्स को किरदार अदा करने में क्या जरूरत है, असाइनमेंट्स दें, प्रेजेंटेशंस दें, जिसपे आखिरी बात जो अर्ज करना चाहता हूँ, सबसे बड़ा किरदार अमन के अंदर और कोएग्जिस्टेंस के अंदर हमें जो है ना अदब करता है, हमें अदीब तैयार करने चाहिए,
हमें शायर तैयार करने चाहिए, हमें नॉवेलिस्ट तैयार करने चाहिए। नौजवान नस्ल नॉवेल्स के पीछे दीवानी होती है। कोई कहानी की स्टोरी में जब आप अमन का आखिर में दर्श देते हैं, कोई एग्जिस्टेंस का दर्श देते हैं, तो इस तकरीर से ज्यादा वो शायर है जो हबीब जालिम है जो लोगों के दिल में उतर जाता है, फैज अहमद फैज है जो उतर जाता है, डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो उतर जाते हैं। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ इसमें होना चाहिए। और फिर पाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। यू तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये मैं बैरुल मसालिक तौर पर मैंने ये बात की है, और बैरुल मजाहिब तौर पर मैं ये कहता हूँ, हवेदा आज अपने जख्म पे नाम करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तान करके छोड़ूंगा, परोना एक ही तस्लीम इन बिखरे दानों को, जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा, शजर है दिल का आराई तासुब है समर इसका, ये वो फल है जो जन्नत से निकलवाता है आलम को, मोहब्बत से ही पाई है फिजा बीमार शफा बीमार कौमों ने, किया है अपने खुफ्ते वक्ता को बेदार कौमों ने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए आपने बहुत अच्छे अंदाज से ज्यादातर जो तवज्जो दी दिलाई।